हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम जगत है और आप देख रहे हैं IT Solutions by IT Professionals। दोस्तों, आज हम तीन टूल्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जी हाँ, ये तीनों ही टूल नेटवर्किंग के काम आते हैं और किसी भी IT पर्सन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कौन कौन से हैं ये टूल। मैं आपको जस्ट स्टार्टिंग में बता देना चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं क्रिम्पिंग टूल की, लैन टेस्टर की और लैन जॉइंटर की। जी हाँ, ये तीनों बहुत ही काम के प्रोडक्ट हैं और एक IT पर्सन को इनकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती रहती है समय समय पर। तो आइए चल के देखते हैं किस तरह के हैं ये प्रोडक्ट। आइए, तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रोडक्ट। डी लिंक का देखिए क्रिम्पिंग टूल है, डी लिंक का ही लैन टेस्टर है और एक लैन जॉइंटर भी हमारे पास रखा है। आज हम इन तीनों ही प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। हमने इस बार डी लिंक का प्रोडक्ट मंगवाया है, पहले किसी और कंपनी का ही था तो जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं था। तो आज हम इसकी क्वालिटी भी देखेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे किस तरह का है। ये रहा लैन जॉइंटर, जो दो डिफरेंट लैन केबल को बिना तारों को छीले जॉइंट कर सकता है। चलिए सबसे पहले हम क्रिम्पिंग टूल की बात करते हैं। MRP देख सकते हैं 1680 रुपये का है और ये जो हमें पड़ा है ये 1050 का पड़ा है प्लस टैक्स। तो डी लिंक मेक है, क्वालिटी बेहतरीन रहने वाली है। तो इसमें जल्दी से इसको खोल के देखते हैं। रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ है और ये देखिए बेहतरीन। ये एक टेलीफोन जैक बनाने के लिए है और एक RJ45 के लिए है। देख सकते हैं अभी नया ही है तो इसमें ये प्रोटेक्शन के लिए एक हुक सी लगी हुई है, इसको हम निकाल देते हैं, साइड में रखते हैं और ये हमारा रेडी टू यूज़ हो गया है क्रिम्पिंग टूल। तो प्लास्टिक है ये, रबड़ है, एक्चुअली प्लास्टिक रबड़ मिक्स है कॉम्बिनेशन इसका और अच्छा है क्वालिटी। ब्लेड की तो अच्छी लग रही है, अभी स्टार्टिंग में यूज़ करने पर ही पता चलेगा। ये देख सकते हैं ग्रीस भी आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी और ये देखिए इसके बैक साइड में ये तार को छीलने के लिए है। ये देखिए राउंड सा बना हुआ शेप है, यहाँ हम वायर डालते हैं और यहाँ से लैन केबल को छील सकते हैं, पील कर सकते हैं। तो अच्छा है और हल्का है काफ़ी। अगला प्रोडक्ट हमारा आ जाता है टेस्टर। तो ये भी डी लिंक का ही मंगवाया है हमने। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा ये CCTV कैमरा जो होते हैं उनको भी टेस्ट कर सकते हैं आप इसके थ्रू, बट हमारा ये किसी काम का नहीं है अभी। तो अभी सबसे पहले ये देखिए मैनुअल आ गया इसका और ये रहा हमारा प्रोडक्ट डी लिंक का लैन टेस्टर। ये देख सकते हैं केबल टेस्टर है डी लिंक का। ये देखिए ऑन ऑफ एंड एस, इट मीन्स स्लो। अभी आपको इसको ऑन करके भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। ये इस तरह से निकल जाता है, देखिए ये अलग अलग हो गया, एक सिरा एक केबल एक साइड लग जाएगी और दूसरी केबल का एंड दूसरे डिवाइस में लग जाता है और इसकी LED ग्लो करती है अगर ये ओके है। अभी हम आपको थोड़ी देर में टेस्ट करके भी दिखाएंगे। इसमें भी लैन पोर्ट और टेलीफोन जैक दोनों का ही ऑप्शन है और ये देख सकते हैं बैक साइड में इसके बैटरी यहाँ डलती है। तो बैटरी इसके साथ नहीं आई है हमें, 9 वोल्ट की बैटरी रहती है इसको चलाने के लिए। तो हमारे पास एक्चुअली पड़ी है बैटरी तो उसको हम अभी लगाएंगे। और इसका दूसरी साइड देखिए, इसमें भी सेम यही LEDs रहते हैं 1 to 8 तक और इसमें भी एक लैन केबल और टेलीफोन जैक का ये कनेक्टर बना रहता है। तो हम केवल इसको लैन टेस्टर ही यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी पड़ी है ड्यूरासेल की। तो इसे हम लगाएंगे अभी, आपको मार्केट में ये इजीली मिल जाती है। तो इसका होल मैच कर लेंगे स्मॉल एंड बिग दोनों और इसको लगा देंगे आसानी से इस तरह से। और दोस्तों ये हमारी बैटरी लग के तैयार है हमारा डिवाइस, कवर लगा देंगे और अब इसको ऑन करते हैं। ये देखिए
ऑरेंज कलर की एलईडी ग्लो करने लगती है इसको ऑन करने के बाद। ये देखिए पावर की एलईडी आ चुकी है। ये एस का मीनिंग यहाँ पर स्लो हो जाता है वो अभी आपको दिखाएंगे। एक हमारे पास पैच कॉर्ड है, इसका एक साइड हमने एक तरफ लगा दिया और ये दूसरा साइड हमने दूसरे डिवाइस में लगा दिया लाइन टेस्टर के। अब इसको देखिए ऑन करेंगे, ये देखिए ये 1 to 8 तक इस तरह से एलईडी ग्लो होती जाएगी। इट मीन्स सारी केबल्स इसकी ओके हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरजे 45 कनेक्टर सब ओके हैं, केबल ठीक तरह से काम कर रही है। अगर इनमें से कोई भी एलईडी काम नहीं कर रही है तो इसको इट मीन्स इसकी कोई केबल ब्रेक है या वो कनेक्टर ख़राब है, लैन केबल आपकी ख़राब है। बट इस केस में अभी आप देख सकते हैं तो ये लैन केबल सही है। अब इसको ये देखिए हमने इसको ऑन पे रखा है तो इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। ये पहले स्लो मोड पे था, एस मोड पे था तो धीरे धीरे चल रहा था, अभी देखिए ऑन मोड पे ये फास्ट फास्ट चलेगा तो हम देख पा रहे हैं कि सारी केबल्स ओके हैं। तो ये तो हमने एक सही केबल के साथ इसको टेस्ट किया। अब एक हम ख़राब केबल ले लेते हैं, ये देखिए इसकी एक साइड से एक केबल निकल चुकी है, ये देखिए ये निकली हुई है एक केबल इसकी। मैं नज़दीक से आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देख सकते हैं ये केबल टूटी हुई है, हम साफ देख पा रहे हैं। और आइए अब इसको लगाते हैं, एक साइड कोई भी एक साइड लगा दीजिए और दूसरा सिरा दूसरे डिवाइस में इस तरह से। अब देखिए एलईडी का, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ही जा रही है लेकिन 1 पे नहीं जा रही है, देख सकते हैं, यानी 1 वाला कनेक्टर ख़राब है, यानी मीन्स केबल हमारी टूटी हुई है। तो ये पता चल गया, ये देखिए एक नंबर पर एलईडी ग्लो नहीं करेगी, तो बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रोडक्ट हमारा लैन जॉइंटर है, सिंपली एक सिरा एक साइड लगेगा और दूसरी केबल का दूसरी साइड में लग जाएगा और ये जॉइंट कर देता है आपस में केबल को। दो टुकड़े लीजिए आप, उनको जॉइंट कर दीजिए तो एक आपकी सिंगल केबल बन गई। तो कई जगह पर यूज़ किया जाता है इसको दोस्तों। हम एक्चुअली लैन केबल में जॉइंट प्रेफर नहीं करते हैं बट कई केसेस में हमें ये करना पड़ता है, जॉइंट भी लगाने पड़ते हैं और उसी पर्पज़ से ये एक छोटा सा टूल है जो कि 38 रुपीज़ का मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों नेक्स्ट थर्सडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, धन्यवाद।